कोरोना आपने टीवी पे देखा, लाखों मजदूर हजारों किलोमीटर चल रहे हैं, नहीं मिला भोजन नहीं मिला, मगर चलते जा रहे हैं। हमने एक बार नहीं अनेक बार नरेंद्र मोदी जी से कहा इनकी मदद कीजिए, इनके बैंक में पैसा डालिए, छोटे दुकानदारों की मदद कीजिए, मिडिल साइज स्मॉल इंडस्ट्री की मदद कीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नहीं किया और फिर एकदम सबसे अमीर लोगों का टैक्स माफ किया और उनके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डाला, हजारों करोड़ रुपए। ये हो क्या रहा है? रोजगार छोटे बिजनेस वाले देते हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले देते हैं, भोजन किसान और मजदूर देता है, मगर हिंदुस्तान की सरकार पूरा का पूरा फायदा हिंदुस्तान के 10-15 सबसे बड़े उद्योगपतियों को देती है। 10-15 को छोड़िए, आजकल तो सिर्फ दो हैं, आजकल 10-15 भी नहीं है, आजकल सिर्फ दो हैं, अदानी और अंबानी। नरेंद्र मोदी की वो मदद करते हैं, टीवी पे उनको उनका चेहरा दिखाते हैं और नरेंद्र मोदी जी इनके लिए रास्ता साफ करते हैं। किसी ने कहा पिछली मीटिंग में कहा नरेंद्र मोदी की सरकार, ये नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, ये अंबानी और अदानी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी इनके लिए काम करते हैं, ये ऑर्डर देते हैं, नरेंद्र मोदी करते हैं। और अब कोरोना के समय जब किसान सबसे मुश्किल दौर से निकल रहा है, किसी का भाई बीमार, किसी के माता पिता बीमार, नरेंद्र मोदी कहते हैं अब हम किसानों को खत्म करने के 3 नए कानून लाएंगे। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, एमएसपी के बिना किसान, पंजाब का किसान जी सकता है क्या? जिंदा रह सकता है? पूरा देश जानता है कि एमएसपी के बिना पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, हिंदुस्तान का किसान बच नहीं सकता। मोदी जी कहते हैं मंडी की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूं कि सिस्टम में कमियां हैं, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आज के सिस्टम में कमी नहीं है, मगर सिस्टम को नष्ट नहीं करा जा सकता है। अगर आप सिस्टम को नष्ट कर देंगे किसान के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। सिस्टम को आपने बदलना है तो बदलिए, और मंडियां बनानी है तो बनाइए। आपको 10 किलोमीटर में मंडी डालनी है डालिए, मगर किसान के पास ऑप्शन होना चाहिए, किसान के पास चॉइस होनी चाहिए। आज हम ट्रैक्टर में चले, उसी सड़क पे किसान मंडी तक जाते हैं, वो सड़क किसने बनाई? क्या वो सड़क अदानी ने बनाई, अंबानी ने बनाई? नहीं, वो सड़क मंडी के टैक्स पैसे से बनी है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं किसान अपना माल कहीं भी बेच देगा, मंडी खत्म हो जाएगी, सड़क खत्म हो जाएगी, सड़क खत्म हो जाएगी तो किसान कैसे बेचेगा? क्या हवाई जहाज से जाके बेचेगा? तो आपके ऊपर आक्रमण है। अमरिंदर सिंह जी ने अपने भाषण में कहा कौन सी कुर्बानी पंजाब के लोगों ने हिंदुस्तान के लिए नहीं दी? हर युद्ध में आप खड़े रहे, आपने देश को भोजन दिया, फूड सिक्योरिटी दी, हरी क्रांति दी, आप देश की रीढ़ की हड्डी हो। नरेंद्र मोदी इस रीढ़ की हड्डी को क्यों तोड़ रहे हैं? 2-3 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए क्यों तोड़ रहे हैं?
मैं आपको बताता हूं, यह कांग्रेस पार्टी कभी नहीं होने देगी। यह जो ढांचा है कांग्रेस पार्टी ने बनाया, चाहे एमएसपी हो, चाहे फूड सिक्योरिटी बिल हो, मनरेगा हो, यह पूरा का पूरा ढांचा हमने आपके लिए बनाया है, आपकी रक्षा के लिए बनाया है, और हम इनको इस ढांचे को तोड़ने नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि किसानों को फायदा होगा, तो अगर किसानों को फायदा होगा तो पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? पंजाब के किसान ने सड़कें क्यों बंद कर रखी हैं? पंजाब का किसान क्यों दुखी है? अगर किसानों को फायदा होता तो आपने पार्लियामेंट हाउस में डिस्कशन क्यों नहीं किया? आपने डिबेट क्यों नहीं होने दी? आपने हमें बोलने क्यों नहीं दिया? अगर किसानों को फायदा होता तो बोलने में क्या मुश्किल, पार्लियामेंट में डिबेट करने में क्या मुश्किल? आप जानते हो कि किसानों को नुकसान होगा, आप जानते हो कि आप हिंदुस्तान के, पंजाब के किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ रहे हो, इसलिए आपने डिबेट नहीं कराई, इसलिए किसान आंदोलन कर रहा है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो ये आपके जो तीन कानून है नरेंद्र मोदी जी, इनको हम फाड़ के डस्टबिन में फेंक देंगे। और आप ये मत समझिए कि किसान का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का किसान लड़ेगा नहीं। आप ये मत सोचिए कि इस देश का किसान कमजोर है। आप ये मत सोचिए कि इस देश का किसान डरता है। किसान से मजबूत इस देश में कुछ चीज नहीं है। आप रोजगार की बात करते हो, जब ये हजारों मंडी बंद होंगी, इसमें जो लोडर काम करते हैं, जो मजदूर काम करते हैं, वो कहां जाएंगे? लाखों लोगों को आप बेरोजगार कर रहे हो। एक तरफ आप कहते हो मेक इन इंडिया, एक तरफ आप कहते हो रोजगार दिलवाएंगे, दूसरी तरफ आप लाखों मंडियों में लोगों को बेरोजगार कर रहे हो। हम नरेंद्र मोदी को, हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी को नहीं तोड़ने देंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर बस दो मिनट का काम है, दो मिनट का सर। सब तो पहला था असी रायकोट हलके दिया सारिया पंचायतों ने सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ मते पाए आ, और सारे एमएलए और सारी पार्लीमेंट वालों हल तुहानू देना है। सारिया पंचायतों वालों जेडे मते पाए गए आ, जिन्हां विच मोदी सरकार वालों काले कानून जेडे लागू किए गए उन्हां नू रद्द करन दे लई साडे मानयोग जो कि फतेहगढ़ साहब दे एमपी डॉक्टर अमर सिंह जी और श्री राहुल गांधी अते कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, सारिआं नूं नवजोत सिंह जी सिद्धू साहब, हरीश रावत जी, सुनील जाखड़ जी, सारिआं नूं जो फड़ा रहे ने मते जिन्ने भी पंचायतों वालों पास किए गए कि कानून रद्द किए जाण अते नाल ही सन्मान किया जा रहा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हुण जिहड़ियां भी शख्सियतां इत्थे पहुंचियां ने, मानयोग मुख्यमंत्री साहब अते राहुल गांधी जी, उन्हां नूं सन्मानित किया जा रहा। सारियां ही संगतां दा जिन्नियां भी आ जिथे ठाठा मारदा कट्ठ पहुंचिया
उन्होंने सब का कामल बोपा राय जी वालों डॉक्टर अमर सिंह जी वालों धन्यवाद किया जाता है कि तुसी पांच घंटे लगातार बैठ के इत्थे गर्मी के मौसम के अपने आगुओं के विचार सुने तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद जो कि वड्डे काफलिआं दे विच तुसी पहुंचे हो थोड़ा सारिआं दा तहे दिलों धन्नवाद किया जाता है।